हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ब्रूटल चैनल में। आप जानते ही हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, BGMI, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इंडिया में आ चुकी, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आ चुकी है। तो आप जल्दी से रजिस्टर करा लीजिए। मैंने करा लिया है। अगर आपको नहीं मिलता लिंक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक करके आप उसे रजिस्टर करा लीजिए। और प्री रजिस्ट्रेशन का हो चुका है स्टार्ट, और आप जल्दी से उसको प्री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये पबजी, मतलब जो बैटल फील्ड ग्राउंड है, क्या ये पबजी को उतना टक्कर दे पाएगी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे लाया कौन है। इसे लाया क्रैफ्टन कोरिया की कंपनी है, और इसे इंडिया के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। इसमें पूरी चीज़ A to Z सब इंडियन होगा। सर्वर से लेकर, आउटफिट से लेकर, जो हम अमाउंट मतलब अपडेट करेंगे, हम अमाउंट पैसे दे के कुछ खरीदेंगे, या फिर इसमें जो नया नया अपडेट आएगा, पूरा टोटली अपडेट इंडियन होगा, कोई बाहर का कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसमें जो पुरानी जो हमारी आईडी है पबजी वाली, वो इसमें नहीं चलेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। चल जाए तो अच्छी बात है, बट यार उसमें मेरी आईडी अच्छी थी, ब्रूटल काल नाम से, बट चल जाए तो ठीक है। मुझे भी लगता कि वो चलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिया के लिए आ रहा है। तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में। क्रैफ्टन नाम से कंपनी इंडिया के साथ लॉन्च हो रही है। क्रैफ्टन कोरियन कंपनी है, और जो टेंसेंट थी, टेंसेंट जो पबजी हम खेलते हैं, वो टेंसेंट और क्रैफ्टन दोनों ने मिलकर बनाई थी। तो टेंसेंट जो थी वो चाइना की कंपनी थी, और चाइना ने मोबाइल के लिए इसे बनाया था। आपने पबजी का नाम पहले सुना होगा, पबजी पहले पीसी में आई थी। तो मैं सबसे बता दूँ, पबजी को कोई उस समय कुत्ता नहीं पूछता था, पबजी का कहीं नाम नहीं था। और मेरे पास भी है पीसी में पबजी, वो उसमें कोई चाइना का हाथ नहीं था, वो मतलब चाइना के बिना थी वो पीसी में जो पबजी है, पीसी पबजी की बात कर रहा हूँ। तो वो मैंने इसमें खेल ली, बिल्कुल बकवास। अगर आप पबजी मोबाइल में खेल रहे हैं, आपने कभी सिस्टम में नहीं खेली, पीसी में नहीं खेली, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी ना। आपको ये पता चलेगा कि जाना कहाँ है सामान, क्योंकि सामान में उसमें अब जो वेपन आइटम होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, जो आइटम होते हैं, वो खुद ही उठाने पड़ते हैं। ये पबजी की तरह नहीं, अगर आप पबजी मोबाइल में खेलते हैं तो पीसी में आपको समझ में नहीं आएगी, घंटा आपको समझ नहीं आने वाला कुछ भी। मुझे खुद नहीं आएगी, और सारा काम माउस से करना पड़ता है, कीबोर्ड हिलाना पड़ता है, क्योंकि उसके कोई जॉयस्टिक ही नहीं है। जॉयस्टिक है तो बल्कि इतने बटन कौन लगाएगा, दुनिया भर के बटन उसमें चाहिए होते हैं। तो उसमें चाइना का आ रहा था, चाइना जो कंपनी थी टेंसेट, उसने क्रैफ्टन के साथ मिलकर मोबाइल में उतारी थी। मोबाइल में जो हम पबजी खेलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। तो चाइना एक तरह से किंग है अपने हर चीज़, हर काम को लेकर। मुझे लगता है कि चाइना को टक्कर देने वाला कोई आ सकता है, क्योंकि टेंसेंट चाइना की कंपनी थी, क्रैफ्टन कोरियन कंपनी थी। अब जो आ रही है वो खाली कोरियन आ रही है, इंडिया के साथ मिलकर आ रही है। तो क्या ये इतनी पॉपुलर होगी जितनी पबजी है, जो चाइना ने, टेंसेंट ने और क्रैफ्टन ने मिलकर बनाई थी? भाई इंडिया की तो बात कह नहीं सकते, क्योंकि पीछे 4G आई थी, आपको पता है 4G, जिसके पीछे 2 साल लोगों ने वेट किया था, और वो 2 हफ्ते नहीं चल पाई थी, 2 महीने तो दूर की बात है, अब तो नज़र भी नहीं आती, आपने देखा होगा। तो कहीं ये भी वैसे ना निकल जाए, जो चीज़ चाइना बना के देता है, वो शायद कोई नहीं दे सकता। मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रहा, बट ये कि चाइना वाले वाकई में दिमाग लगाते हैं, चाइना को नॉलेज होती है कि वो कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं। आप खुद चाहे पीसी में देख सकते हैं पबजी को, आपको समझ नहीं आने वाला। आपने कभी अगर पहले पीसी गेम नहीं खेली है, और अगर आप फर्स्ट टाइम पीसी में खेलोगे, तो आप देखोगे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि चाइना वाले जब हम पबजी खेलते हैं तो अपना भी सामान पिक उठ करता है, तुरंत लोकेशन देख लेता है, स्कोप्स में जल्दी खुलते हैं, तो बहुत मुश्किल है इसको टक्कर देने पाना। तो आई होप, मेरी आशा यही होगी कि इंडिया और कोरिया मिलके इस बात को समझे, और ज़्यादा मेरा ख्याल है कि चाइना को इन चीज़ों में बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो टेंसेंट जो थी वो चाइनीज कंपनी थी, और क्रैफ्टन कोरियन कंपनी थी, तो दोनों ने मिलकर पबजी बनाई थी जो आप मोबाइल में खेलते हो। बाकी पबजी का कोई अता पता नहीं है, अगर आप उसे कोई किसी और डिवाइस में खेलो, जैसे पीसी में खेलोगे, क्योंकि टेंसेंट बहुत अच्छी कंपनी थी चाइना की, जो अच्छी गेमें बनाती है। तो आई होप अब इस बार जो कोरियन क्रैफ्टन लेके आ रहा है, वो इंडिया के साथ अच्छा काम करे, तो ही इसमें मज़ा आया। कहीं ये ना हो कि वो भी बकवास निकल जाए, जैसे 4G निकल गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको उतनी टक्कर दे पाएगी, पर आई होप, आशा ये है कि टक्कर दे पाए, और इसे इंडिया वालों को भी भला हो, और इंडिया का नाम भी अच्छा बने, और कोरियन कंपनी का नाम भी अच्छा है। अब कोरिया की बात कर लेते हैं, सैमसंग के डिवाइस आप मोबाइल देख सकते हो। कभी मेरे पास भी जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सैमसंग नोट 10 प्लस है, इसमें टाइप सी दे रखा है, इसमें
आपका 3.5 जैक है नहीं, जबकि चाइनीज़ कंपनियों में आजकल चाइनीज़ मोबाइल कंपनियों में वो सब फ्यूचर मिल रहे हैं जो बहुत ये। तो चाइना कहीं ना कहीं सोचता है, मतलब चीज़ बनाता है लेकिन सोचता है, तो उसमें पछतावा नहीं होता, तो काम को लेकर वो वाकई में अच्छा काम करके देता है एक तरह से माना जाए तो। दोस्तों इतना ही कुछ कहना था, और चलिए अब मैं आपको प्री रजिस्ट्रेशन के लिए ले चलता हूँ गूगल में। आप लोग प्री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आप तुरंत कर लीजिए, मैंने लिंक दे रखा है और मैं भी कर ही रहा हूँ। तो मेरी आशा ये है कि आई होप इस बार इंडिया का कुछ अच्छा हो, क्राफ्टन और इंडियन दोनों मिलके कोई अच्छा काम करें ताकि हम चाइना जापान जैसी गेम को टक्कर दे सकें। तो मैं चाहता हूँ कि ये बीट करे टेंसेंट को, पर जो कि फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। तो हेलो गाइस, आ गए हैं हम अपने वेब ब्राउज़र पे, मतलब अपने वेब पेज में। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको तीन जगह से आप इसकी लिंक इसको अप्लाई कर सकते हैं, लिंक ओपन करके। पहला आपका YouTube हो गया, दूसरा आपका ब्राउज़र हो गया, मतलब जो आप क्रोम ओपेरा जो आप चलाते हो ब्राउज़र, और तीसरा आप खुद गूगल प्ले स्टोर से आप इसे प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वैसे मैंने आप अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ है, आपको आप वहाँ से लिंक करा सकते हैं। तो फटाफट जाइए और लिंक करा दीजिए। तो जैसा मैंने इसमें दिखा रहा हूँ, तो मैं कुछ बात बता देता हूँ पबजी की। पबजी का चाइना से कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। पबजी की जो स्टोरी बेस थी वो जापान से थी, बनाया पीसी में उसको अलग गया था, और कोरिया कंपनी क्राफ्टन ने उसको डेवलप मतलब एक तरह से बनाया था। खाली चाइना का इतना हाथ था वो था मोबाइल के लिए। चाइना पबजी को कहाँ से कहाँ ले गया, क्योंकि मोबाइल में उतारने वाला टेंसेंट ही था वो। तो कुछ ऐसी बातें थी जो आपको बतानी थी। तो ये प्री रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने आ चुका है, और इसमें आपको खाली प्री रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें दो चीज़ पूछेगा, इंस्टॉल वैन अवेलेबल और ओके। जब ये गेम अवेलेबल हो जाएगी तो आप उस पर क्लिक मार सकते हैं, मैंने उसमें क्लिक मार दिया है। तो जब ये गेम अवेलेबल हो जाएगी तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी, और आप इसमें देख सकते हैं। और ये कुछ इसके इमेजेस दिए हुए हैं, वॉलपेपर दिए हुए हैं, विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का तुम खेल सकते हो। मतलब इसमें आपको मल्टीप्लेयर का सिस्टम मिलेगा, इंडिया के बैटल ग्राउंड आपको मिलेंगे, तो पूरी प्रॉपर ये इंडियन बेस के ऊपर होने वाली है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कि ये कोई गेम है जो इंडिया के लिए आ रही है प्रॉपर। वैसे इंडिया के ऊपर बहुत सारी गेमें बनी हैं बट वो इतनी कामयाब नहीं हो पाई थी। तो आई होप ये अच्छी निकले जो टेंसेंट को टक्कर दे सके। तो बैटल ग्राउंड इंडिया रेडी हो जाओ भाई। और मैंने इसमें प्री रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें इंस्टॉल का बटन दबा दिया है, तो जब ये गेम अवेलेबल हो जाएगी आप भी दबा देना। तो जब ये गेम अवेलेबल हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन पे। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया तैयार हो जाओ। तो आई होप मैं चाहता हूँ कि ये गेम अच्छी निकले, बहुत आशा है इससे। तो देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक इंस्टॉल, तो इसमें आप क्लिक मार दीजिए, तो आपकी गेम जब ये गेम अवेलेबल हो जाएगी तो आप इसे अपना भी डाउनलोड हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद। बने रहिए ब्रूटल भाई के साथ। थैंक यू वेरी मच।